नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज महामानव महाकारुणिक आधुनिक राष्ट्र के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं। और यह जन्मदिवस एक ऐसे महापुरुष युग पुरुष का है जिसको ये देश ही नहीं पूरी दुनिया मना रहा है। और दुख की बात यह है कि COVID-19 जो महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसके चलते हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों से जयंती को मना रहे हैं, और साथ ही विश्व स्वास्थ्य और समृद्ध रहने की कामना भी करते हैं। और जैसा कि पूरी दुनिया में सामाजिक जो तंत्र है वह भी टूट गया है, और ये टूटना हम सबके लिए भी अच्छा है, और देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया में उस सामाजिक डिस्टेंस को बरकरार रखा गया है, तो उसी का पालन करते हुए आज हम सभी बाबा साहब को याद कर रहे हैं, जिन्होंने केवल दलितों के लिए ही नहीं काम किया, केवल एक समुदाय के लिए ही नहीं काम किया, बल्कि देश में रहने वाले समस्त नागरिकों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया, और OBC वर्ग के लिए उन्होंने जो फैसले लिए, वो चाहे आपके विभिन्न प्रकार के निर्णय जो उन्होंने संविधान में डाल दिए, वो चाहे OBC हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, और चाहे सामान्य वर्ग की महिलाएं हो, सामान्य वर्ग की क्या, देश की सभी महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने जो काम कर दिया दोस्तों, पूरी दुनिया में काबिले तारीफ है। और वो कोई भी देश हो, बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जानता है, उनको मानता है और पहचानता है। दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विनम्र अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, और हम विश्व स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को समाप्त करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। और एक विशेष अपील मैं दोस्तों सदस्य विधान परिषद स्नातक लखनऊ खंड से चुनाव लड़ रहा हूँ, और आप लोगों से अनुरोध है कि अपने छोटे भाई दोस्त को प्यार और स्नेह और आशीर्वाद दें। जय हिंद।